नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक एडवांस ऑप्शन बताऊँगा जिसका नाम है सब टोटल। ये सब टोटल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, यह मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले, सब टोटल बताने से पहले, आपको जिस टेबल से या जिस डाटा सीट से आपको सब टोटल निकालना है उस टेबल को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से सब टोटल कैसे निकालते हैं और क्यों निकालेंगे ये सब पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको इस टेबल को समझना होगा। देखिए यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पे नेम का कॉलम है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ देखिए ACCT का मतलब इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये सेल का डिपार्टमेंट है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट है, फिर सेल है, फिर MKT का मतलब होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है, HRA दिया है, HRA मतलब वैसा हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, उसका सैलरी है, उसका PF का कॉलम है ये, उसके बाद नेट सैलरी है। अब अगर गौर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट, जो एक अकाउंट यहाँ है दूसरा एक अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ है, सेल का एक अकाउंट यहाँ है तो सेल का एक दूसरा अकाउंट यहाँ है। तो इसको पहले हमें सब टोटल निकालने से पहले, जिसका भी आप सब टोटल निकालते हैं उससे पहले आपको ये डिपार्टमेंट है या नेम है जिसका भी आपको सब टोटल निकालना है उसको पहले शॉर्ट करना होगा, सिस्टमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो सबसे पहले मैं इस डिपार्टमेंट को शॉर्टिंग करना होगा, तो सबसे पहले मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया, देख सकते हैं मैंने टेबल को पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ ऊपर देखें अलग अलग टैब्स हैं, तो यहाँ डेटा टैब में जाइए, उसके बाद शॉर्ट, ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद एक शॉर्ट का छोटा सा डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। अब जो शॉर्ट करना है मुझे क्या करना है, शॉर्ट बाय का जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे देखिए नेम दिया हुआ है, तो मुझे नेम का शॉर्टिंग नहीं करना है, मुझे डिपार्टमेंट को पहले शॉर्ट करना है। तो सॉर्ट बाय में ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद डिपार्टमेंट में मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। अब देखिए डिपार्टमेंट में जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे अकाउंट का, देखिए दो लोगों का यहाँ पे देखिए अकाउंट, एक अकाउंट यहाँ है दूसरा अकाउंट यहाँ है, यहाँ सिस्टमेटिकली आ गया, दो अकाउंट डिपार्टमेंट देखिए, उसके बाद मार्केटिंग का दोनों आ गया, उसके बाद सेल दो लोग हैं जिस जो सेल में काम करते हैं, तो सिस्टमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब इसका सब टोटल निकालना है। सब टोटल का कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे देखिए ए रॉय जो व्यक्ति है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका देखिए नेट सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति जो काम कर रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट, उसका देखिए सैलरी यहाँ नेट सैलरी इतना दिया हुआ है। इस दोनों टोटल मतलब जिस कंपनी में दो लोग अकाउंट में काम कर रहे हैं दोनों का देखिए अलग अलग नेट सैलरी है। अब दोनों का टोटल कितना खर्चा हो रहा है ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हमको ये पता चल रहा है कि अकाउंट में एक व्यक्ति है जिसको इतना मिल रहा है नेट सैलरी, दूसरा व्यक्ति उसको इतना मिल रहा है। उसी तरह देखिए मार्केटिंग में एक व्यक्ति को इतना नेट सैलरी उसका इतना है, दूसरा मार्केटिंग में जो काम कर रहा है उसका देखिए 3015 है। तो दोनों का टोटल तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नेट सैलरी पता चल रहा है, कितना कंपनी में कितना खर्चा हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो अब इसका सब टोटल निकालेंगे। तो सब टोटल जिसका भी निकालना होगा सबसे पहले आप पूरा टेबल डाटा सीट को सिलेक्ट कीजिए, टेबल जो आपका रहेगा जिसका आपको सब टोटल निकालना है, पूरा का पूरा ये मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर देखिए अलग अलग टैब दिया, डेटा में जाएंगे, डेटा टैब में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा, जैसे ही डेटा टैब में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कि आउटलाइन का आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, देखिए आउटलाइन लिखा होगा नीचे में, मतलब ये जो बॉक्स है ये आउटलाइन का ग्रुप है। यहाँ एक ऑप्शन है देखिए सब टोटल, सब टोटल में क्लिक कीजिए। सब टोटल में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सब टोटल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एट ई चेंज इन, तो हमें क्या करना है यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे इसका सब टोटल करना है। तो चेंज इन का जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए डिपार्टमेंट जितना यहाँ पे डिपार्टमेंट ऊपर का जो रहेगा यहाँ पे शो करेगा, तो डिपार्टमेंट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ यूज़ फंक्शन में सम रहने दीजिए, उसके बाद नेट सैलरी आपको किसका निकालना है, नेट सैलरी का, तो मैं नेट सैलरी का निकालना है तो नेट सैलरी चेक किया हुआ है, आप सैलरी का भी निकाल सकते हैं, तो मैंने नेट सैलरी का क्लिक कर दिया। ऊपर देखिए डिपार्टमेंट किया, मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से ही सब टोटल निकालना है, और यहाँ पर देखिए नेट सैलरी यहाँ यूज़ फंक्शन में सम रखना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये मैंने ओके पे क्लिक किया। अब जरा गौर से देखिए, अब टेबल का देखिए लुक कुछ अलग हो गया। यहाँ देखिए एक व्यक्ति है अकाउंट में काम कर रहा,
तो यहाँ पे दिखा रहा है, दूसरा अकाउंट में काम करें, यहाँ देखिए लास्ट में इसका सब टोटल निकाल दिया, अकाउंट का टोटल सब टोटल यहाँ पे निकाला है, देखिए यहाँ पे नीचे में सब टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए ये दिखाई दे रहा है। उसी तरह मार्केटिंग में दो लोग काम कर रहे हैं, उसका मार्केटिंग का टोटल मुझे दिखाई दे रहा है इतना, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीके से निकाल के मुझे यहाँ पे सब टोटल शो कर रहा है। देखिए सेल में दो लोग काम कर रहे हैं, सेल में दोनों का टोटल यहाँ पे देखिए, सेल टोटल यहाँ पे अलग से निकाल के मुझे सब टोटल दिखाई देगा। उसके बाद ग्रैंड टोटल नीचे शो कर रहा है, थोड़ा सा मैं पेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम देखिए करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप गौर से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ए रॉय है अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका नेट सैलरी इतना है। एम सिंह जो अकाउंट में काम कर रहा है उसका नेट सैलरी इतना है, ये नेट सैलरी हो गया। अब टोटल अकाउंट डिपार्टमेंट में मेरा टोटल कितना खर्चा आ रहा है, यहाँ पे देखिए अलग से पूरा का पूरा अकाउंट को टोटल करके मेरा सब टोटल दिखा दे रहा है। यहाँ देखिए मार्केटिंग में आर कुमार है, वो मार्केटिंग में काम कर रहा है, उसका टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो मार्केटिंग में काम कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन देखिए मार्केटिंग का टोटल मुझे यहाँ पे शो कर दे रहा है पूरा का पूरा टोटल। उसी तरह दो लोग हैं, देखिए सेल में काम कर रहा है, उसका देखिए दोनों का नेट सैलरी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसका टोटल यहाँ देखिए सेल का टोटल आपको यहाँ पे शो कर रहा, उसका ग्रैंड टोटल कितना हुआ यहाँ पे शो कर रहा। मतलब जिसका आपको सब टोटल निकालना है, मतलब पूरा डिपार्टमेंट का, दो दो डिपार्टमेंट देखिए यहाँ पे, डिपार्टमेंट बहुत सारा हो सकता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सब टोटल निकल के आ रहा। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें अकाउंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल है, अब अलग 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 एक अकाउंट में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, तो अकाउंट में दो लोग काम कर रहे हैं तो दोनों का देखिए नेट सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन टोटल अकाउंट डिपार्टमेंट में मेरा कितना खर्चा हो रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए नीचे देखिए मार्केटिंग में दो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है, सेल में दो लोग काम कर रहे हैं उसका सेल का डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। अब सब टोटल हटाएंगे कैसे, तो टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, अगेन आप डेटा में जाइए, उसके बाद आउटलाइन का ये जो ग्रुप है यहाँ सब टोटल में क्लिक कीजिए। यहाँ सब टोटल में जैसे ही क्लिक करेंगे सब टोटल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे रिमूव ऑल कर देंगे तो देखिए मेरा पहले से टेबल जैसा था सेम टू सेम हो गया। अब मान लीजिए उसी तरह सैलरी का अगर मुझे निकालना है, देखिए एक अकाउंट एक व्यक्ति ए रॉय है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका सैलरी इतना है, एम सिंह जो अकाउंट में काम कर रहा है उसका सैलरी इतना है, अभी दोनों को मिलाकर कितना मेरा अकाउंट सैलरी में कितना खर्चा हो रहा कैसे पता चलेगा। उसी तरह मार्केटिंग में दो लोग काम कर रहे हैं, देखिए आर कुमार एस सिंह, तो यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर सैलरी शो कर रहा है, लेकिन सैलरी टोटल कितना सैलरी में कितना खर्चा हो रहा है ये तो पता नहीं चल रहा, सिर्फ अलग अलग इंडिविजुअल पता चल रहा है। सेल में उसी तरह देखिए सेल में दो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, देखिए सेल में इस सेल का देखिए एक व्यक्ति का सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए दूसरा का सेल का सैलरी यहाँ शो कर रहा है। अब इसका सब टोटल निकालना है सैलरी का, तो सैलरी का कैसे निकालेंगे, अगेन सेम टू सेम उसी तरह टेबल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डेटा अलग अलग टैब से डेटा टैब में क्लिक कीजिए, आउटलाइन का ग्रुप में जाइए, यहाँ पे देखिए सब टोटल दिया है, सब टोटल में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सब टोटल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद चेंज इन में डिपार्टमेंट रखा हुआ है, यहाँ देखिए यूज़ फंक्शन में सम रखना है, अब कर देना है नेट सैलरी हटा देना है, सैलरी पे कर देना है, सैलरी का अब सब टोटल निकालना है। मतलब सैलरी में सब टोटल निकालेगा, मतलब अकाउंट में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसका सैलरी दोनों का कितना निकल रहा है ये पता चलेगा। सैलरी चूज़ कर लिया, ऊपर याद रखिए चेंज इन में डिपार्टमेंट कर दिया, यहाँ पे यूज़ फंक्शन में सम किया, सैलरी को चेक किया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे टेबल का लुक कुछ चेंज हो गया, यहाँ देखिए अकाउंट का टोटल मुझे बता रहा है सैलरी में, देखिए यहाँ एक व्यक्ति को सैलरी इतना मिल रहा, दूसरे व्यक्ति अकाउंट डिपार्टमेंट में उसको इतना मिला, टोटल अकाउंट का सैलरी यहाँ पे देखिए शो कर रहा, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। उसी तरह मार्केटिंग में देखिए आर कुमार एक मार्केटिंग में काम कर रहा है उसको इतना सैलरी मिल रहा है 12,210, दूसरा एस सिंह में जो एस सिंह है उसका देखिए मार्केटिंग में काम कर रहा है उसका मिलता है 3,090। अब टोटल दोनों मार्केटिंग में कितना पैसा खर्चा हो रहा है यहाँ पे देखिए मार्केटिंग का टोटल ये सब टोटल करके शो कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए सेल में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एल पाल है जो सेल में काम करता है उसको 7,704 मिलता है सैलरी, यहाँ सैलरी का कॉलम है। दूसरा है पी सेन, देख सकते हैं सेल में वो काम कर रहा है उसको मिला है देखिए 9,810 सैलरी मिलता है। अब दोनों का इस सेल का डिपार्टमेंट का दोनों का टोटल करके देखिए सेल का टोटल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ये हुआ सब टोटल, उसके बाद ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। तो इस तरह आप एचआरए का निकाल सकते हैं, बेसिक का निकाल सकते हैं, जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल और आसान तरीका मैंने बताया कि सब टोटल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ काइंडली कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको बता देने का कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो कम से कम आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो कम से कम डिसलाइक कीजिए, धन्यवाद।